इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। सोचेक समाजिक दिल्लीक इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा लेकिन दिख रहा एक ऐसी कौन सी चीज थी जिसके वजह से लोगों को ये मैदान मूवी उतनी पसंद नहीं आ रही है। पब्लिक टू पब्लिक माउथ पब्लिसिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये मूवी उस तरह से कमाल बॉक्स ऑफिस पे क्यों नहीं कर पाई। वहीं दूसरे तरफ में बड़े मियां छोटे मियां जैसी मूवी जो है वो इससे ज्यादा कलेक्शन कर रही है और ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों ने जाकर के बड़े मियां छोटे मियां देखा ना कि मैदान। और क्या मैदान जो है मंडे के दिन से यानी आज के दिन से कुछ अलग तरह से काम करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे? क्या इसके कलेक्शन ऊपर जा सकते हैं? इन सारी चीजों के अलावा मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने मैदान मूवी जब देखा तो भाई इसके अंदर में क्या चीज मिस किया था और किस वजह से जो है लोगों को शायद थोड़ी सी कमी महसूस हुई और जिसके वजह से शायद लोगों ने नकार दिया। जैसे ही मैदान मूवी का फर्स्ट टीजर आता है और फिर ट्रेलर आता है उसको देखने के बाद दिमाग में सबसे पहला रिकॉल अगर कुछ होता है तो वह है कबीर खान फ्रॉम द मूवी चक दे इंडिया, यानी शाहरुख खान ने जो कैरेक्टर को प्ले किया था वो कैरेक्टर दिमाग में आता है और ना जाने क्यों अनचाहे तरीके से भी दिमाग में एक चीज आता है कि भाई हमें ड्रेसिंग रूम के अंदर में वो वाला स्पीच एक बार सुनने को मिल जाए जैसे कि शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में दिया था, बिल्कुल वैसे ही जो है अजय देवगन भी इस मूवी के अंदर में देंगे। यहाँ पे रहीम साहब यानी सैयद अब्दुल रहीम जी का रोल को प्ले करते हुए दिखाया गया है अजय देवगन को और अजय देवगन ने पूरे फिल्म के अंदर में जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया है वो एकदम सा लाजवाब है। मतलब जब मूवी देखने के लिए मैं बैठता हूँ तो भाई देखता ही रह जाता हूँ और सिर्फ सोचता हूँ कि भाई ये बंदा किसी भी मूवी को करता है तो वो मूवी ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। भले से उस मूवी की कहानी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, भले से उस मूवी का बजट कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन ये बंदा उसको बड़ा बना देता है। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैदान मूवी जो है वो 150 करोड़ में बनी थी और ये 2021 तक में रिलीज हो जानी चाहिए थी लेकिन उसके बावजूद ये रिलीज नहीं हो पाती है। रीजन रहता है कोरोना कॉल, लॉकडाउन और लोगों का थिएटर से दूर हो जाना जिसके वजह से इस मूवी को डीले से डीले किया जाता रहा है और उसके बाद से फाइनली अब जाकर के हमें इस मूवी को देखने को मिला है। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मूवी रिलीज होने से भी पहले प्री रिलीज की गई थी जो कि भाई एक तरह से पेड प्रीव्यू था, यानी आप थोड़े ज्यादा पैसा लगा करके इस मूवी को जाकर देख सकते थे। तो मैं कहानी के उन हिस्सों को छूना चाहता हूं जहां पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा और जहां तक कि मैं एक मूवी लवर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि ये सारे सीन्स को काटे भी जा सकते थे। जैसे कि अजय देवगन का खांसना जहां से शुरू होता है मूवी के अंदर में और उससे पहले भी दिमाग में जाके बहुत ज्यादा खटकता है कि अजय देवगन जो है एक चेन स्मोकर के जैसे बस सिगरेट पे सिगरेट जलाए जा रहे हैं और उसके पीछे में कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये जितने भी सीन्स दिखाए जा रहे हैं सिगरेट पीने का वो इंटरव्यू में पहुंचने से पहले पहले तक आपको एक बहुत बड़ा झटका देने वाली है और वो झटका ये रहता है कि भाई उनको हो जाता है लंग्स कैंसर, अब इसके बाद से आगे क्या होने वाला है। तो भाई कहानी में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं मुझे वो सारी चीजें देखने को मिलती है जैसे कि चक दे इंडिया के अंदर में होता है कि आपस में मतभेद हो जाते हैं फीमेल टीम के अंदर में और एक दूसरे से जो है चिड़ना हो जाता है, सब अपने अपने तरह से गेम खेलना चाहते हैं, कोई अपने आप को कैप्टन बताना चाहता है, कोई अपने आप को बोलता है कि बहुत बेस्ट प्लेयर है, इन सारी चीजों का अकड़ लेकर के चल रहे होते। इस कहानी के अंदर में भी वो चीज को छुआ गया लेकिन बहुत ऊपर ऊपर से, मुझे जहां तक की उम्मीद थी कि भाई पूरे तरह से सभी लोगों को छुएंगे लेकिन वो नहीं छुआ गया। मुझे लगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छे तरह से लग जाएगी और अच्छा भी लगेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीजन मैं फिर से बता रहा हूं कि चक दे इंडिया के अंदर में जो अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए थे जिसके वजह से आपके दिमाग में एक टेंशन चलता रहता है कि भाई अब क्या होगा, वो यहां पे थोड़ा लाइट पड़ जाता है। और जो मेन पार्ट मैंने दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कबीर खान जो है ड्रेसिंग रूम में जाकर के 70 मिनट वाला जो डायलॉग मारते हैं वो डायलॉग पूरे थिएटर को सन्नाटे में रख देता है और पूरी थिएटर कहती है भाई मोटिवेशन किस तरह से दिया जाएगा वो भाई यहाँ पे से सीख सकते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह से जो है यहाँ पे भी एक डायलॉग रहता है जो कि ट्रेलर में कहा जाता है कि सोच एक, जज्बा एक, भाई उम्मीद एक है तो आज मैदान में उतरेंगे 11 लेकिन दिखेंगे सिर्फ एक। मुझे लगा था कुछ इस तरह का पावरफुल डायलॉग जो है ठीक फाइनल मैच से पहले, फाइनल जो होगा उनका उससे ठीक पहले ड्रेसिंग रूम के अंदर में वो अपनी टीम से कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे अजय देवगन को टूटते हुए दिखाया जाता है क्योंकि भाई उनको लंग कैंसर
ऑफिसर जो है अटैक किए जा रहा है, उनके पास में टाइम बहुत कम है और ये चीज जो है टीम के सिर्फ दो मेंबर को पता है। अब आगे चलने के बाद में जो है वो जिस चीज को दिखाना चाहिए था उसके बदले में कहानी शिफ्ट हो जाती है कि रहीम साहब की तबीयत कैसी बिगड़ रही है और ये शायद उनका आखिरी समय चल रहा है। तो जहां पे कबीर खान की बात की जाती है, स्टोरी के अंदर में कबीर खान के ऊपर में एक दाग लगा रहता है। मुस्लिम कैरेक्टर वहां पे शाहरुख खान भी प्ले कर रहे होते हैं एज कबीर खान के नाम से, और यहाँ पे अजय देवगन रहीम साहब के नाम पे। दोनों के रिलीजन को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन होता है, लेकिन कबीर खान के ऊपर में ज्यादा होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक मैच हार चुके होते हैं और उनके ऊपर में एक गद्दार का टैग लगाया जा चुका है। अब वो सिर्फ देश को जिताने के लिए नहीं खेल रहे होते, वो साथ साथ इसलिए भी खेल रहे होते कि उनके माथे पे जो कलंक लगा है वो कैसे मिटाने वाले हैं। वहीं मैदान मूवी के अंदर में अजय देवगन रहीम साहब के रोल को जो प्ले कर रहे होते हैं उनके दिमाग में एक इंटेंशन होता है कि ये मैच अगर हम जीत गए तो भाई हमारा जो फुटबॉल है उसकी एक अलग उपलब्धि हो जाएगी, लोगों के नजर में आएगा, हमारा देश का नाम चमकेगा और हमारे पास में जो टीम है जिससे हमेशा ये कहा गया कि कुछ नहीं कर सकते उनके ऊपर में एक विश्वास बनेगा। तो ये सारी चीज को लेकर के रहीम साहब चल रहे होते, तो क्या इन सारी चीजों के वजह से आपको लगता है कि मूवी जो है हल्की पड़ गई है? जहां तक मैं समझ पाया हूं मूवी के अंदर में, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही डीपली जा करके चक दे इंडिया देखा था और वो उस टाइम पे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। और यहां पे जैसे ये मूवी आती है, जितने सीरियसनेस के साथ में अजय देवगन इस रोल को प्ले कर रहे होते, कहीं ना कहीं जा करके यश राज की चक दे इंडिया याद दिला ही जाती है। अब अगर मेरे जैसे लोगों ने भी यही सोच करके रखा था कि भाई उस लेवल का कुछ देखने को मिलेगा और नहीं मिला, शायद इस वजह से डिसअपॉइंट हुए, मुझे नहीं लगता है। और अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो ईद के टाइम में सभी हैप्पी मूड में रहते हैं, सभी एक मसाला मूवी देखना चाहते हैं जहां पे थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा रोमांस हो जाए और ढेर सारा मजेदार जोक वगैरह कुछ देखने को मिल जाए। इस इंटेंशन के साथ में लोग जाते हैं, जो कि BMCM ने अपने ट्रेलर में ये काम कर दिया था। और देखा जाए तो ये मूवी इसीलिए लोगों पे काम कर गया क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि भाई कभी मूवी देखने जल्दी जाते नहीं है, ये सिर्फ फेस्टिवल में जाते हैं या फिर ऐसे टाइम पे जाते हैं कि उनको छुट्टी मिली है और कुछ ऐसा तड़कता भड़कता देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। कुछ इस तरह के ऑडियंस गए थे BMCM को देखने के लिए। वहीं पे अगर क्रिटिक्स की बात की जाए या फिर जो लोग सही से फिल्म को समझते हैं, उन्होंने फिल्म को पूरे तरह से बकवास कह दिया, जैसे कि मैंने भी कहा कि भाई इस मूवी का कुछ नहीं हो सकता। अब अगर कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुमने तो फिल्म को अच्छा बोला तो जाकर के फिर से वीडियो को देखो, और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, तब जाकर के आपको असली कंक्लूजन मिलेगा। ओवरऑल जो मेरा ओपिनियन था वो यही था। आप क्या मेरी बातों से एग्री करते हो, यानी आप किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हो, कबीर खान को या फिर रहीम साहब को? रहीम साहब याद रखना एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, इन्होंने सच में हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है और इन्होंने जो वर्ल्ड कप जिताया था उसके बाद से लेकर के आज तक कोई भी फुटबॉल में वर्ल्ड कप नहीं पहुंचा और नहीं जीत करके हमारे पास में गोल्ड लाया है। तो भाई उसके हिसाब से भाई ये अलग जॉनर है और जहां चक दे इंडिया की बात कर रहा हूं वो अलग सी चीज है। आप अपना टेक कमेंट सेक्शन पे बताओ। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।